हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? तो मैं हूँ मीनू नागर और मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए जी, तो शाम के बजे हुए 4:30 और मैं लग चुकी हूँ अपने गोवर्धन बनाने की तैयारी में। मैं क्या तीनों बहन ही लग चुके हैं और ये दोनों बहनें भी आ चुकी हैं, तो ये भी मेरी हेल्प कराएंगी। तो इसी तरह इसके से हमारा गोवर्धन बन के जल्दी से तैयार हो जाएगा और फिर शाम के खाने की भी तैयारी करनी है, क्योंकि गोवर्धन पूजने वाले आ जाते हैं और फिर गोवर्धन पूजते हैं। हमारे यहाँ पे मोहल्ले के सब इकट्ठे हो जाते हैं, सारे लड़के जितने भी होते हैं सब फिर गोवर्धन पूजा करते हैं। तो उससे पहले मैंने नेहा को बोल दिया था कि मैं मनीषा कर रहे हैं, इतने तू जाके आलू बॉईल कर ले। तो नेहा ने पिट्ठी वगैरह बना के आलू की तैयार करके रखी हुई थी, तो मनीषा ने फटाफट से आटा लगाया और अब हम दोनों ने कचौरी बनानी स्टार्ट कर दी है। तो इसी तरीके से हमारा जल्दी से थोड़ा काम हो चुका है। कई बार आया कि आज दो गोवर्धन हो चुके, दो गोवर्धन की वजह से हम थोड़े कंफ्यूजन रहे, तो फिर अब कचौरी बनाएंगे, पकौड़े वकौड़े कैंसिल कर दी। पकौड़े का सुबह खा लेंगे, बनाएंगे भैया रोज के दिन। तो इस बार कचौरी बनाई है जल्दी जल्दी में, गोवर्धन बना के आई है। अभी अभी पता चले कि मतलब दो हो रहे, कोई कह रहा आज का है, कोई कह रहा कल का है। आप सबने कब को मनाया? हम तो आज का ही मनाएंगे। सब भी बताना जरूर, पता नहीं क्या हो रहा, हर त्योहार दो दो कर दिए, पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा। पहले तो कभी ना हुआ, और खास करके होली दिवाली ये तो दो ही मनिक रहे। और तो ये मतलब एक ही, ये दो त्योहार है जो एक ही मनिक रहे। रक्षाबंधन पे देखिए चुड़ैलंग की तरह रात में पहुंचे बंती डोली सारे बहन गड़ी में, वो मुहूर्त कोई है वो ऐसा कुछ ना होता, मेरी नजर में ऐसा कुछ ना होता। बाकी आप सबकी सोच है, मेरी तो इतनी ऐसी सोच है क्योंकि सबकी सोच अलग अलग हुआ है कि कोई नहीं सोचे मैं ज्यादा बड़ी ज्ञानी, इतनी बड़ी ज्ञानी तो हूं मैं, लेकिन मुझे ऐसा लगा है कि ऐसा ना है, अगर रक्षाबंधन है तो रक्षाबंधन है पूरे दिन, राखी बांधो कभी तक ठीक है। अगर आज दिवाली है तो दिवाली मनाओ पूरे दिन, ये ना है कि पटाखे इस टाइम छोड़ने उस टाइम नहीं छोड़ने, ऐसा कुछ ना है। अब गोवर्धन आज का है तो आज का ही दिन। और बताइए आप सबने क्या क्या बनाया, गोवर्धन कैसा जाएगा और ये सब कमेंट बताना, व्लॉग तो लेट ही आएगा क्या। और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करे सारे बहनों ने हमारे उस पे अगोई वाले व्लॉग पे। हाँ, और अभिषेक भाई भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कराए, अभिषेक भाई हमारा वो भी हमारा व्लॉग देखा है। थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू। और क्या कहते हैं जो मतलब बहुत सी बहन कह रही है आप बहुत अच्छे हो, तो बहन अच्छे उन्हें ही लगते हैं जो खुद भी अच्छे होते हैं, तो आप अच्छे हो ना, तो इसलिए हम आपको अच्छे लग रहे हैं, आप खुद भी अच्छे हो। ये बात है। हाँ, हमेशा जो अच्छे इंसान होते हैं ना उन्हें अच्छा मतलब दूसरा तभी लगता है जब वो खुद अच्छे होते हैं, तो आप सब भी बहुत अच्छे हो क्योंकि आपने हमारे लिए होती है जब आप सब इतना सपोर्ट करते और आपसे भी एक मतलब अटैचमेंट हो जाता है ना दीदी। और मेरे इसमें क्या नाम है, आप भी दीदी आप सबको अपनी सिस्टर ही मानती है बिल्कुल। और आपके मैसेज आ रहे हैं कि मैं ओनली कहाँ से लेती हूँ, तो ओनली मैं लेकर आती हूँ अपने वहीं से, माइकी की तरफ से चिरौड़ी है वहां से लेकर आती हूँ। और रेड वाले सूट कहाँ से लिया? और आप सब पूछते हो कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं आज आपको प्रॉपर बता देती हूँ कि मैं कहाँ से हूँ। मैं दादरी के पास से हूँ, ग्रेटर नोएडा से, और गाँव का नाम है सैनी सुनपुरा, तो मैं सैनी सुनपुरा से हूँ जी। आप सब काफी मैसेज करते रहते हो, पूछते रहते हो आप कहाँ से हो। और जो आपने वॉलपेपर फोटो लगाए रखा है वो किसका है? वॉलपेपर पे वो भाई साहब का फोन था। हाँ, वो उनका फोन था, तो उसमें पापा जी और सिया, फादर इन लॉ है हमारी और बेटी, हमारी बेटी है सिया, उसका फोटो था। ओके, और अब रेड वाले सूट कहाँ से लिए उसके बारे में बताओ। और जो रेड वाले हमारे सूट है वो हमने एक पेज से लिए थे, रिसीव हुए थे हमें, उस पेज का नाम हम आपको हमारे इंस्टाग्राम आईडी अगर आपको पता है तो वहाँ पे देख सकते हो। हाँ जी, ओके, स्टोरी भी डाली थी मैंने उसकी। हलवाई चेंज हो चुका है, मनसा दीदी बना रही, फिर लाला रोल लगा उसे स्वाद में चली गई। बन गई दीदी? कहाँ, अभी तो देखी इतना साफ चुन रहा और दोबारा पिक।
बनानी पड़ेगी पिट्ठी थोड़ी सी तो मतलब कारीगर प्याज की खावे बिना प्याज व्याज की उनको बिना प्याज की मिल जाएगी। कैसे भी करूँगा वो नेहा के हस्बैंड हो गए नेहा तेरा हस्बैंड भी है बैंड हस ज्यादा कम लगा बैंड ज्यादा लगा वो तो हस्बैंड पति देव मेरा पति नेहा को पति नेहा और तरुण नेहा को देव ये दोनों खर्चा भैया प्याज वाले इनको बनाएंगे भैया बिना प्याज के इनको प्याज से नफरत है ये बालाजी की नफरत है मगर तैयार नहीं है अगर ऐसा कच्ची प्याज कच्ची कच्ची तो खा लेंगी पच्ची पच्ची कच्ची ना रहती हूँ ऐसी रहे और कचौरी कचौरी खाऊंगी मैं तो खाऊंगी तू तो खा ला। तो जी हमारी गरम गरम कचौरी बनकर तो तैयार हो चुकी है और उसके साथ बनाई है आज हमने गुड़ की चाय और गरम गरम गुड़ की चाय और गरम गरम कचौरी। सो नेहा का आज फास्ट है तो नेहा तो चाय ही लेगी और बच्चों के लिए मैंने दूध रख लिया है दूध देऊंगी बच्चे ने दही के लिए तो बोल रहे हैं लेकिन दही के लिए इस टाइम ठंड ज़्यादा है तो इसलिए ठंडा मौसम हो रहा है लेकिन ये बच्चे इतने जिद करते हैं दही के लिए इन्हें दही चाहिए इस टाइम भी लेकिन अब मौसम जैसे चेंज हो रहा है सर्दी का मौसम स्टार्ट हो गया तो हम दही देने के लिए मना ही कर रहे हैं लेकिन ये मानते कहाँ हैं। तो कुछ बच्चों ने दो बच्चे तो ऐसे इन्हें दही चाहिए सो इन्होंने जिसका मन जो था युग ने और तनिष ने तो दूध लिया है और इन सब बच्चों ने दही लिए। तो आप सब पूछते हो कि आपके कितने बच्चे हैं तीनों बहनों के तो हम तीनों बहनों के 6 बच्चे हैं ये सैतान से और लविक नहीं है इनके साथ लविक अलग है तो ऐसे ही बैठ के ये खाना खाएंगे इस टाइम और इस टाइम का ये रोज़ का काम है इनका कार्टून देखते हुए खाना खाने का और कमरे की इतनी बुरी हालत कर देते हैं बस रोज़ की रोज़ मैं इन्हें डांटने पे लगी रहती हूँ बच्चे तुमने क्या कर दिया अब मैं इन्हें उठाऊंगी और सारा कमरा सुगाऊंगी। ये मनीषा है ये मनीषा और ये देखिए यहाँ बन रही कचौरी और कचौरी बनते बनते तेल भी खत्म हो चुका है तो फट गई और देखो ये इसने क्या कर रखा है कचौरी बनाने की तमीज देखो इनकी बच्चे कचौरी कुछ बच्चे दूध से कचौरी खा रहे दूध खत्म हो चुका है कचौरी बन गई और देखो कचौरी कितनी सारी बनी रखी है और अभी और बनेंगी आलू बन रहे दिखाऊंगी आपको आलू बन के मैं उनकी पिट्ठी बनाऊंगी इतने ही लड़की कचौरी बनाएगी। ये देखो आलू बन गए और पापा जी के लिए लेके जा रही हूँ कचौरी पापा जी खा रहे दिखाती हूँ आप सबको भी लो पापा ये देखिए लेट हो गए लेट हो गए लेट हो गए बात चल रहा है पकड़ बंद हम पे
भाई देख लाल कपड़ा देख खुणा समझ जाई तो जी देखिए हमारी तो हैप्पी दिवाली और हैप्पी गोवर्धन हो चुके हैं। तो ये नागर जी भी आ चुके थे शॉप से, तो हम सब ने मिलकर पटाखे वगैरह फोड़े पूरी फैमिली ने एक साथ। तो सारे भाई भी आ चुके थे, तो अच्छे से मनाया हमने अपना गोवर्धन। और ये देखिए काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो करती हूँ मैं इस व्लॉग का यही एंड और मिलती हूँ आपसे एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। और हमारा व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और मेरे चैनल पे न्यू है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जी ये तो हमारी फैमिली है, और व्लॉग में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको हमारी फैमिली कैसी लगी। थैंक यू।